नमस्कार दोस्तों, ब्लॉग मनी में आपका स्वागत है। दोस्तों, कोविड के कारण आपके ब्लॉगिंग के कैरियर में बहुत सारे इफेक्ट आ रहे हैं। बहुत सारे लोग ब्लॉगिंग के लेकर के जो मैसेज करते हैं उनका सबसे मैक्सिमम क्वेश्चन यही है कि क्या ब्लॉगिंग खत्म हो जाएगा। बहुत सारे ब्लॉगर पे जो ट्रैफिक आ रहा था वो कम हो गया है। बहुत सारे ब्लॉगर पे जो ऐड चल रहा था गूगल एडसेंस का, वो ऐड बंद कर दिया गया है। तो आज इस वीडियो में मैं आप क्लियर करने वाला हूँ कि ड्यू टू कोविड आपके ब्लॉगिंग कैरियर में क्या क्या इफेक्ट आया है और आपको किस टाइप का ब्लॉगिंग अब चलने वाला है, किस टाइप का ब्लॉगिंग का लाइफ अब बिल्कुल ख़त्म हो गया है, हिंदी में ब्लॉगिंग करना अभी भी इम्पोर्टेंट है या नहीं है, सब कुछ पूरे डिटेल में बताने वाला हूँ दोस्तों। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। ब्लॉगिंग के रिलेटेड जो भी अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं आप लोगों तक लेके आता हूँ। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कोरोना ने हमारे लाइफस्टाइल में बहुत सारे चेंजेज किए हैं। इसके साथ ही हमारे मानसिक और दिमागी तौर पे भी बहुत सारे चेंजेज हमारे मन में चल रहा है। जब आपके मानसिक और दिमागी सिचुएशन किसी भी चीज़ से अगर इफेक्ट होता है तो उसका असर पूरा पूरी ब्लॉगिंग पे आता है। क्योंकि जब किसी के दिमाग में अगर घोस्ट का, अगर सपोज कीजिए कि किसी अगर इंडिया में घोस्ट अटैक हो जाए, सभी जगह भूत प्रेत का अटैक हो जाए, तो लोग सर्च क्या करेंगे कि भूत से बचने का उपाय। उसी तरह से कोरोना के इफेक्ट ने सभी लोगों का जो मोटिव है, जो हमारा बॉटम लाइन होता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स होता है जिसको हम गूगल पे सर्च करना चाहते हैं, उसको बहुत हद तक चेंज कर दिया है। जैसे अगर हमको ट्रैवल करना अभी बिल्कुल मना किया गया है, तो जो भी ब्लॉग जो ट्रैवल के अकॉर्डिंग ब्लॉगिंग कर रहे हैं उनके ब्लॉग पर ट्रैफिक नहीं आएगा। ये बिल्कुल सत्य है कि अगर आप ट्रैवलिंग ब्लॉग बना रहे थे, आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक आना बिल्कुल बंद हो गया है। आप ये मत सोचिए कि ये गूगल सर्च का कोई एल्गोरिदम के लेकर के ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं है। ये आपका जो हमारा जो कॉमन पीपल है, जो आपके ब्लॉग का रीडर है, उसका माइंडसेट चेंज हुआ है और जिसका इफेक्ट आपको ब्लॉगिंग में दिख रहा है। आपको बहुत ज़्यादा हद तक घबराने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो टाइम है, ये जो पीरियड है, ये 100 साल में एक बार आता है और इस बार थोड़ा सा ज़्यादा लंबा चल गया है। और ड्यू टू हमारी गवर्नमेंट पॉलिसी और हम लोगों की नेग्लिजेंसी के कारण ये अब ये विकराल रूप धारण कर रहा है, जिसका इफेक्ट हम लोगों पे भी आया, आप लोगों पे भी आया, और हम लोगों में से बहुत सारे लोग संक्रमित भी हुए। और संक्रमित होने के बाद में उन्होंने क्या सर्च किया है, हेल्थ। सबसे ज़्यादा सर्च करने वाला चीज़ अभी है लाइफस्टाइल, हम किस टाइप का लाइफस्टाइल जिए, कोविड के कारण क्या क्या, कोविड का जो सिम्टम्स है वो क्या क्या है, न्यू तरह का जो कोविड है उसका अलग अलग सिम्टम्स है, लोग इसके बारे में सर्च करना चालू किए हैं। आप हेल्दी लाइफ जीने के लिए क्या क्या चीज़ खाना चाहिए, प्राकृतिक पे लोगों का विश्वास जगा है, लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में अगर आप पर्यावरण के बारे में लिख रहे हैं, पर्यावरण को कैसे मेंटेन किया जाए, किस किस तरह से पेड़ पौधे को लगाया जाए, क्या क्या NGO बना करके किस तरह से पर्यावरण का रक्षा किया जाए, इन सब टॉपिक पे आने वाले टाइम में ट्रैफिक आने का पूरा संभावना है। दूसरा, जो न्यूज ब्लॉग है, न्यूज ब्लॉग मैं बोलता हूँ न्यूज ब्लॉग, वो ब्लॉग जो कि करंट न्यूज को लेकर के, जैसे आज तक, जी न्यूज, इन लोगों का जो ब्लॉग है, इसको देखने वाले का संख्या, पढ़ने वालों का संख्या लगातार बढ़ते जा रहा है इस कोविड के टाइम में। क्योंकि देखिए, टाइम सबके पास है अभी। ड्यू टू कोविड जिसके ऑफिस में, जिसका ऑफिस चल भी रहा है, 8 घंटे काम होते थे, उनका काम 4 घंटे हो गया है। टाइम सबके पास है, लेकिन उनकी प्रायोरिटी अब चेंज हो गई है। अगर आप इस समय किसी को ये बताओगे कि ट्रैवल करके या फिर आप सेल्स का जॉब के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो वो नहीं करेगा, क्योंकि इसको पता है मार्केट डाउन है। ऑटोमोबाइल सेक्टर, जिसमें आप एफिलिएट मार्केटिंग करते थे, या फिर बहुत सारे एफिलिएट प्रोडक्ट ऐसे थे जिस पर आप एफिलिएट मार्केटिंग करते थे, वो अगर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी आइटम नहीं है, उस पर ट्रैफिक नहीं आएगा। सपोज आप किसी प्रोडक्ट का रिव्यू कर रहे थे, स्मार्टफोन का रिव्यू कर रहे थे, 40,000 का स्मार्टफोन के बारे में बता रहे थे कि इस मोबाइल फ़ोन में ये फंक्शनैलिटी है, अब लोगों के पास उतना पैसा नहीं है, लोग समझ रहे हैं कि आने वाला टाइम में हो सकता है मुझे 4-5 महीने बिना सैलरी मिले गुजारना पड़े, अब वो नेसेसरी चीज़ खरीदेगा, अब वो नमक खरीदेगा, वो टॉयलेट पेपर खरीदेगा, अब वो ऐसी चीज़ें खरीदेगा जिसकी उसको ज़रूरत है, वो ये चीज़ नहीं खरीदेगा कि जो उसको लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा मदद करे। अगर आप ऑक्सीजन चोर नहीं है, दवाई चोर नहीं है, तो आपके पास पैसा का कमी अभी हो सकता है, लेकिन
आपको ये समझना होगा कि ये टेम्पोररी है। अगर आप क्रिकेट ब्लॉग बना रहे हैं, आईपीएल ब्लॉग बना रहे हैं, आप देख रहे हो कि आईपीएल चल रहा है, लेकिन जितने लोग देखना चाहिए, सभी के मोबाइल में आजकल हॉट स्टार है, बहुत सारे लोग को पता है कि कैसे देखना है, लेकिन उसको देखने वाले की संख्या भी कम हो गई है। तो ये भी सही बात है कि जो क्रिकेट ब्लॉग मैं बोलता था कि क्रिकेट ब्लॉग में फ्यूचर बहुत ज़्यादा है, ड्यू टू कोविड रीजन थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ, ब्लॉगिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके आपके एनवायरनमेंट को लेकर के बहुत सारा डिपेंड करता है। अभी हो सकता है कि बहुत ख़राब सिचुएशन है, 2 महीने में सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ लाइन पे आ जाएगा। दूसरा सवाल जो बहुत सारे ब्लॉगर मेरे से पूछ रहे थे जब मैं बीमार था अभी कुछ दिन पहले, कि हमारे ब्लॉग पे ट्रैफिक नहीं चल रहा, मतलब ऐड नहीं चल रहा है। दोस्त, ऐड इसलिए नहीं चल रहा है, बहुत सारे लोगों ने अपना प्रोडक्ट कंपनी शट डाउन कर दिया है। पिछले बार जब यूएसए में हालत ख़राब हुआ था कोविड के कारण, एप्पल को अपना प्रोडक्शन बंद करना पड़ा था। अभी इंडिया के जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं उनकी प्रायोरिटी बदल गई है। टाटा स्टील, जो कि बहुत बड़ा स्टील निर्यातक है, उन्होंने अपना प्रोडक्शन बंद किया है क्योंकि भारत सरकार को ऑक्सीजन का सप्लाई करना है। तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसका एडवर्टाइज चलना गूगल पे बंद कर दिया गया है, क्योंकि आपको पता है गूगल एनालिटिक्स पे जो बीड होता है उसी के अकॉर्डिंग एडवर्टाइज आपके ब्लॉग पे चलाता है, और ऑब्वियस है अगर वो प्रोडक्शन बंद होगा उसका इफेक्ट आपके ब्लॉग पे अर्निंग पे होगा। यही कारण है कि आपके ब्लॉग पे अभी एड चलना बंद हो गया है। लेकिन आपको घबराने का ज़रूरत नहीं है, जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूँ, 2 से 3 महीने में ये जितनी तरीके से बढ़ा है, 15 से 20 दिनों के अंदर में वो फिर से घटना चालू होगा, और हो सकता है जब ये घटना चालू होगा लोगों को इंजेक्शन लगेगा, फिर से लाइन पुराने ढर्रे पे आ जाए। लेकिन अब आपको समझना होगा कि किन किन टॉपिक पे आपको ब्लॉग करना है। सबसे बड़ा टॉपिक वर्क फ्रॉम होम, सब लोग चाहते हैं घर में पैसा कमाना, घर बैठ करके जो जेन्यून तरीका है वो बताइए, घर पे बिजनेस कैसे स्टार्ट करें, जूम का जो भी टूल्स है उसके बारे में बताइए, इसेंशियल सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू आप लोगों को पढ़ा सकते हैं इनके बारे में बताइए, कुछ ऐसे टॉपिक बताइए जिस पे घर पे बैठ करके टाइम पास किया जा सके। इन सब चीज़ों पे अगर आप ब्लॉग बना रहे हैं, या फिर आप हैबिट के बारे में बता रहे हो कि किस हैबिट से आपको क्या फ़ायदा हो सकता है, या फिर किस लाइफ स्टाइल से आपको बेनिफिट मिल सकती है, कैसे पेड़ पौधे को लगाना है, कैसे पर्यावरण को मेंटेन करना है, इन सब टॉपिक पे आने वाले टाइम में ब्लॉगिंग चलने वाला है। ऐसा नहीं है कि क्रिकेट पे अगर आप ब्लॉग लिखोगे तो नहीं चलेगा, लेकिन अभी कुछ दिनों के लिए हो सकता है कि अगर आपने क्रिकेट ब्लॉग बनाया है तो उसको क्विट मत कीजिए, उसको कंटिन्यू कीजिए। अभी सब्र का टाइम है, एक टाइम आता है लड़ाई का और एक टाइम आता है शांत होकर बैठने का, ये टाइम शांत होकर बैठने का है, बैठ करके सोचने का है। क्रिकेट ब्लॉग कंटिन्यू करते जाइए, हो सकता है अभी आपको उसका फ़ायदा ना मिले, लेकिन जैसे कि लाइफ अभी चल रहा है अप एंड डाउन, उसी तरह से आप उसको भगवान के भरोसे छोड़ दीजिए कुछ दिन क्रिकेट ब्लॉग को, और इंतज़ार कीजिए कि आने वाले टाइम में जब सब कुछ ठीक हो जाएगा इस पर भी ट्रैफिक आना चालू हो जाएगा। बहुत ज़्यादा हद तक घबराने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों, ये सारी चीज़ जो इफेक्ट आया है ये हिंदी ब्लॉगिंग पे आया है, अगर आप इंग्लिश ब्लॉग बना रहे हैं बाहर के ट्रैफिक आपके ब्लॉग पे आएगा। लेकिन एफिलिएट का प्रोडक्शन का जो मैंने बताया कि बहुत सारी कंपनियाँ बंद हुई है भारत की, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो ब्लॉग पे तो उसका इफेक्ट आपको इंग्लिश ब्लॉगिंग पे भी आएगा। दोस्तों, आज का टॉपिक मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ दोस्तों, और अब मैं कंटिन्यू वीडियो बनाऊंगा क्योंकि अब मैं ठीक हो गया हूँ दोस्तों। और अगर आप ब्लॉग मेंटरिंग प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं जिसमें जूम क्लासेस के थ्रू मैं आपको 1x1 सभी ब्लॉगिंग में सारे स्टेप जब गूगल एडसेंस अप्रूवल तक का प्रोसेस कंप्लीट बताता हूँ, अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन में मैंने अपना नंबर दिया है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमेशा मास्क पहन करके बाहर निकलेगा। दोस्तों, मैंने कोरोना झेला है और मैं देख रहा हूँ जो सिचुएशन चल रहा है अभी बहुत ख़राब सिचुएशन है, और आने वाला 15 से 20 दिन हम सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का भी बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, आई रियली अप्रिसिएट योर टाइम।